बड़ी खबर रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक लेंगे, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हैं। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से दे दें, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। आज रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे, वहीं सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो अभी बीते दिनों आपको बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्य समिति की बैठक की गई, और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्य समिति की बैठक हो रही है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से इस बैठक के लिए रायपुर पहुंचे हुए हैं, और सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जब रायपुर पहुंचे तो सीएम विष्णुदेव साय ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बीजेपी जो है वो लगातार रणनीति बना रही है, क्योंकि आपको बताएं नगरीय निकाय चुनाव होने हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। मंत्री जो है वो भी अभी बनने का ही, क्योंकि कैबिनेट का जो है वो विस्तार होना है साय सरकार के कैबिनेट का। तो इन सब को लेकर जो अब ये कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हो रही है, इसके बाद इन सब पर मुहर लग सकती है कि आखिर किसे मंत्री बनाया जाएगा, और आगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, एक बड़ी बैठक यहाँ पर बीजेपी की जो है वो आज होने वाली ऑडिटोरियम में, दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक होगी, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक लेंगे, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। खोमन, जिस तरह से एक बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? देखिए, तैयारी की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये दीनदयाल ऑडिटोरियम है, वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रतिज्ञा, अलग अलग जो सरकार की योजना चलाई जा रही है, चाहे मैं बस्तर के लिए नियत नंदलाल योजना की बात करूँ, या कृषि उन्नति योजना की बात करूँ, या नारी शक्ति को लेकर जो महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और देख सकते हैं जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर में ये तमाम जो योजना चलाई जा रही है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी को लेकर जो केंद्रीय मंत्री जब यहाँ ऑडिटोरियम पहुँचेंगे तो ऑडिटोरियम में सबसे पहले सरकार ने क्या कुछ काम किया है उसकी जो प्रदर्शनी लगाई गई उसको निरीक्षण करेंगे। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यह बैठक प्रतिज्ञा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बीजेपी कैसा काम करेगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, 4 महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव है, और अभी कुछ दिनों में लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हुई है। तो अब इस कार्य समिति में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम 1600 से ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कामकाज करेगी, सरकार की जो 6 महीने की कामकाज है उसको कैसे जनता के बीच पहुंचाएगी, इस पर आज चर्चा होने वाली। और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रतिज्ञा और तैयारी पूरी हो गई है, बस केंद्रीय मंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि जब वो लोग आए तो उनका स्वागत किया जाए। ये देखिए तस्वीर, देखिए तमाम जो विधायक हैं मंत्री हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और पहुँच गए। ये सीधी तस्वीर प्रतिज्ञा में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो तैयारियाँ ऑडिटोरियम के अंदर वो पूरी कर ली गई है। विधायक अनुज शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा विधायक हैं राजेश मूड़ा तो भी दिखाई दे रहे होंगे, बिलासपुर के विधायक हैं अमर अग्रवाल वो भी मौजूद हैं, अभी बाहर में जो है स्वागत करके अंदर आ रहे हैं। कुछ देर बाद जो है मुश्किल से 5 मिनट का वक्त बचा है जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंत्री हैं ओपी चौधरी वो भी नज़र आ रहे होंगे। आज तक कहीं ना कहीं जो बड़ी बैठक है, बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी, और इस पर बड़ा यही है होने वाला है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी काम काज करेगी। ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। खोमन, आप लगातार तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं, एक बार आप कोशिश कीजिए कि उनसे बात कर पाए आप, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि किसी से अगर बात हो पाए आपकी। देखिए तमाम जो नेता हैं वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही निरीक्षण करने के बाद सरकार का जो कामकाज है उनकी जानकारी लेने के बाद प्रतिज्ञा अंदर बैठक में जाएंगे। बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो मार्गदर्शन देते हुए। बिल्कुल।
बिल्कुल तोखोमन सीधे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां से। अब जब बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनेगी इस पर भी आपसे जरूर जानेंगे, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज हो रही है रायपुर में, जिसमें बस्तर सांसद महेश कश्यप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो पहुंचे हुए महेश कश्यप जी। कश्यप जी, आज बड़ी बैठक है, क्या कहेंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं के से बना हुआ पार्टी है, जो कार्यकर्ता के दम पर विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज पहचाना जाता है। इसलिए बीच बीच में हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम होते रहता है। आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, क्योंकि हमारे देवतुल्य सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने छत्तीसगढ़ में लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, राज विधानसभा का चाहे लोकसभा हो, आने वाला समय में त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव भी है, नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव, इसलिए और इसके साथ साथ संगठन का विस्तार को लेकर, फिर हमारे जो हमने जो समाज को जो संकल्प हम लोग संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया उसको भी पूरा करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर आज ये प्रयोग। तो देखिए एक और, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये बैठक। विधानसभा को हाईटेक करने की तैयारी है, पेपरलेस करने के प्रस्ताव पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। 20 से 25 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। एमपी प्रशासनिक अकादमी में खाली पदों पर भर्ती पर भी मोहर इस बैठक में लग सकती है। कई और विभागों के प्रस्ताव पर भी मोहर यहां पर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए मोहन कैबिनेट की एक बड़ी बैठक और अहम बैठक थोड़ी ही देर में आज होने वाली है, और सबसे पहला जो इस बैठक में जो मुद्दा रहने वाला है वो है विधानसभा को हाईटेक करने का मुद्दा। पेपरलेस करने के प्रस्ताव पर भी यहां पर मोहर लग सकती है। 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हम जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, जिस तरह से आज एक बड़ी बैठक मोहन कैबिनेट की हो रही है, ऐसे में ये बात कहा जा रहा है कि विधानसभा को हाईटेक करने की तैयारी, पेपरलेस के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बैठक के? देखिए प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ये कोशिश रही है कि विधानसभा की कार्रवाई को पूरी तरीके से ऑनलाइन और हाईटेक किया जाए, यानी कि पेपरलेस किया जाए। इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो सके, विधायकों को बेहतर तरीके से जानकारी ऑनलाइन मिल सके, और इसके लिए ये पूरा जो प्रोजेक्ट है विधानसभा को हाईटेक करने का, इस पर राज्य सरकार की तरफ से सहमति आज इस कैबिनेट की बैठक में बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी इस हाईटेक बनाए जाने को लेकर चर्चा करेगी, और इससे पहले राज्य सरकार कैबिनेट में इस मुद्दे को लेकर आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो राशि है करीब 25 से 30 करोड़ रुपए, इसमें 60% केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना है और 40% मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी। और इसके अलावा प्रशासन अकेडमी में खाली पदों को लेकर स्वीकृति बन जाएगी कि आखिर कितने पद खाली है, कितने भरे जा सकते हैं, इस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ एक विषय है कि कई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनको ज़्यादा सरकार की तरफ से भुगतान कर दिया, उस सेटलमेंट की प्रक्रिया को कैबिनेट के भीतर लेकर आया जाएगा जिससे कर्मचारियों को पेंशन मिल सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कैबिनेट में शुरू हो जाएंगे, कैबिनेट में रखे जाएंगे, और कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं, कैबिनेट के सदस्य भी पहुंच रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा। बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनती है और मुहर लगती है इसके बारे में जो जानकारी है वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं देखिए आज बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पुलिस के सामने पेश होंगे। मंगलवार को पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे, और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली दौरे पर थे इसलिए पुलिस के सामने नहीं जा सके, लेकिन आज वो पुलिस के सामने जाने की तैयारी कर रहे हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। तो देखिए बलौदा बाजार हिंसा को लेकर लगातार जो है वो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, जिन पर आरोप लगे थे भड़काऊ भाषण देने के, उन्हें पुलिस के सामने पेश करने को कहा गया है। उन्हें बुलाया गया था मंगलवार को, लेकिन वो दिल्ली दौरे पर थे इस वजह से पुलिस के सामने वो नहीं जा सके, लेकिन आज वो पुलिस के सामने पेश होने की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे।
रोहित, जिस तरह से बलौदा बाजार हिंसा पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे में अब देवेंद्र यादव जब पूछताछ के लिए जाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है वहां पर? क्या देवेंद्र यादव पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी आगे? निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, देखिए कार्रवाई हो सकती है, और अब तक की स्थिति में बात की जाए तो 10 जून की ये घटना थी और आज 10 जुलाई का समय हो गया है और इस बीच में 200 से ज़्यादा गिरफ्तारी इस मामले को लेकर की जा चुकी है। पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और कल की स्थिति में बात की जाए तो कल देवेंद्र यादव को बुलाया गया था, बलौदाबाजार पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और ये कहा था कि 10 बजे के आसपास जो है वो बलौदाबाजार थाने पहुंचे जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन देवेंद्र यादव उस समय दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली दौरे से हालांकि वो 1 बजे के करीबन लौट आए थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो DGP से मुलाकात करने गया था, देवेंद्र यादव भी उसमें शामिल थे, तमाम लोगों ने DGP से मुलाकात की थी, इस कारण से उन्होंने मुलाकात वो नहीं हो पाई थी, वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि आज वो पेश होने वाले हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रकरण में जिन्होंने पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था बलौदा बाजार हिंसा मामले पे, कई अन्य आरोपियों को, NSY के कुछ नेताओं को बुलाया गया था, उस दौरान उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो वैसे ही कयास ये भी है कि जानकारी ये भी है कि अगर पूछताछ के बाद में देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल बिल्कुल तो बहुत बड़ी जानकारी रोहित यहाँ पर दे रहे हैं कि पूछताछ के बाद हो सकता है कि कार्रवाई की जाए और हो सकता है कि देवेंद्र यादव को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन है। PCC चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी पर PCC चीफ चर्चा करने वाले हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। सरकार को घेरने को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, एक और जहाँ BJP लगातार कार्य समिति की बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो हर राज्य में कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है और आज PCC चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी पर PCC चीफ चर्चा करने वाले हैं और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आगामी दिनों में जब, क्योंकि विधानसभा का सत्र होना है, तो सरकार को कैसे घेरा जाए इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। सतीश उपाध्याय ने सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान संगठन को गति देने के विषयों पर चर्चा की गई। भोपाल में SI ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में ASI ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नेहरू नगर के पुलिस लाइन में अपने घर में ही गोली मार ली है। ट्रैफिक पुलिस में तैनात है ASI। कमला नगर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता दें, जहां ASI ने नेहरू नगर के पुलिस लाइन में अपने घर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे कमला नगर पुलिस, अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कारण पता चल सका है अब तक कि किस वजह से यहां पर जो ASI है उन्होंने खुद को गोली मारी है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, जानकारी जो पुलिस के जरिए मिली है कि ASI ट्रैफिक विभाग में पदस्थ थे और सुबह पूजा पाठ करने के बाद कमरे के भीतर गए और पुलिस की सरकारी राइफल से खुद को शूट आउट कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। और ये वजह निकल के सामने आ रही है कि उनकी पत्नी काफी लंबे समय से बीमार थी और खुद भी वो डिप्रेशन में थे और यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया सरकारी मकान में। और पुलिस पूरे मामले को लेकर मर कायम से जांच कर रही है। करीब 55 वर्षीय ASI योगेंद्र यादव है जिन्होंने सुसाइड किया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में डिप्रेशन एक वजह आ रही है, लेकिन परिवार जनों के बयान के आधार पर और सुसाइड अभी तक फिलहाल कोई नोट बरामद नहीं हुआ है। इसलिए पुलिस की पहली प्राथमिक जांच यही है कि पुलिस ये कह रही है कि डिप्रेशन एक बड़ी वजह है, डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया, क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और यही वजह है कि इलाज को लेकर वो काफी परेशान है, जिसकी वजह से आज सुबह 8 बजे उन्होंने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली है। जी जी विवेक, तो विवेक का कहना है कि शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि डिप्रेशन में होने की वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली है। अब आगे की जांच पुलिस कर रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।
तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने गौठान का निर्माण किया था। ये एक ऐसा केंद्र था जहां गोबर और गौमूत्र से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित 417 गौठानों में अब तालाबंदी की नौबत आ गई है। वहीं कांकेर जिले के सरंगपाल क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतों ने बंद पड़े गौठान को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है। आर्मी में भर्ती होने के लिए रोज सुबह शाम सैकड़ों युवक युवतियां इस गौठान में दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। क्षेत्र में कोई मैदान नहीं होने के कारण ये फैसला लिया गया कि इस बंद पड़े गौठान में ये अपना प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जो है यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर ना मैदान नहीं है, ठीक है, तो हम ये जो गोठान खाली पड़ा था यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस? हम जो है वो सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट और कई लड़के जो है वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस गोठान का उपयोग इन लोग आर्मी और पुलिस के जवान बनने के लिए कर रहे हैं। कितने दिन से आ रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे? हम रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। पिछले साल भी हम लोग आर्मी का रिटर्न एग्जाम कर रहे थे, मैदान नहीं था तो क्वालिफाई नहीं, रनिंग का क्वालिफाई कर नहीं पाए, इसीलिए हम लोग ने इसका गौठान का साधन एक माध्यम लिया। कि पहले तो गौठान तक गाय भी आते नहीं थे और बंजर पड़ा था, तो हम लोग ने सोचा कि युवक के लिए एक मैदान मिल जाएगा, इसीलिए हम इस गौठान को अपने माध्यम से जो भी सफाई करके इस गौठान को एक मैदान का रूप दिया छोटा मोहन और अभी यूज कर रहे हैं। हम लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी, और जिसमें से फिजिकल इवेंट में हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक है, 800 मीटर 100 मीटर का है। चाहिए ये वो युवक युवतियां हैं जो कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है या कोई आर्मी में जाना चाहता है, जिसके लिए रोज यहाँ दौड़ लगाते हैं और ये जो बंद पड़े गोठान है इसका सही उपयोग कर रहे हैं। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर रेल मंडल के कटनी एनकेजे में सबसे बड़ा रनिंग रूम बनकर तैयार है। वैसे तो इरकॉन कंपनी ने इसे साल 2021 में ही बना लिया था, जो अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इस रनिंग रूम में प्रतिदिन लगभग 200 से 250 रेलवे कर्मचारी आकर आराम कर सकते हैं। रनिंग रूम में 128 बेड हैं, प्रत्येक कमरे में 2 बेड, अटैच टॉयलेट और इसके साथ ही किचन, योग करने और जिम करने की व्यवस्था सहित मनोरंजन भी है, जिसमें लोको पायलट आराम कर सकते हैं। विस्तार न्यूज़ संवाददाता यश खरे ने रेलवे के रनिंग रूम का हालचाल जाना है और वहां से ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा दे वहां के रनिंग रूम की। रेलवे जबलपुर डिवीजन के पीआरओ बीएन गुप्ता से भी यश खरे ने बातचीत की है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि यह कोई सोसाइटी नहीं बल्कि एक रेलवे का रनिंग रूम है, जहां पर लगभग 128 बेड वाला रनिंग रूम ये तैयार किया गया है, जिस पर प्रतिदिन 200 से 250 कर्मचारी यहां पर रुक सकते हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ओपन जिम भी है कि अगर किसी को जिम करना हो, योग करना हो, तमाम तरह की यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जबलपुर रेल मंडल के पीआरओ बीएन गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। सर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं रनिंग रूम के लिए की गई हैं, पहली बार जबलपुर मंडल का सबसे बड़ा रनिंग रूम तैयार हुआ है। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे जबलपुर मंडल में जो रनिंग रूम है उसमें सबसे बेस्ट हमारा जो रनिंग रूम है कटनी जंक्शन का है। यहां पर हमने ड्राइवर्स और गार्ड्स जो लोको पायलट हैं, सहायक लोको पायलट हैं, उन सब के लिए तमाम लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बात की जाए तो जिस तरह से ट्रेन हादसे होते हैं, ड्राइवर तनाव पर रहते हैं, थके हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आराम करने के कारण हादसे भी अब कम होंगे। बिल्कुल, ये उसी दिशा में हमारे जो कदम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है कि लोको पायलट जो है उनकी ड्यूटी बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, और वो जब अपना पूरा 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो घर से दूर रहें, तो घर से दूर उनको घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का रेल प्रशासन का पूरा प्रयास है। रेलवे अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, उसमें एक रूप ये भी है कि रनिंग रूम पर वह अपना घर जैसा माहौल ले सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अगर जिम करना है तो वह भी कर सकते हैं। तमाम तरह की रेलवे के द्वारा व्यवस्थाएं करके रनिंग रूम को जो है तैयार किया गया है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। बात करेंगे अगली खबर की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नीमच की टीम ने लाखों रुपए का डोडा चूरा बरामद किया है। डोडा चूरा की तस्करी ऑयल कंपनी के विज्ञापन की आड़ में मिनी ट्रक से हो रही थी। आपको बता दें कि मिनी ट्रक का चालक फायरिंग के बाद फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया। अधिकारियों के मुताबिक जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ऑयल कंपनी का प्रचार करने वाले मिनी ट्रक के जरिए मध्य प्रदेश से डोडा चूरा राजस्थान ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2026 किलो डोडा चूरा जब्त किया है।
वहीं गरियाबंद के बीरी घाट पंचायत में एक बार फिर ये सुर्खियों में आ गया है। यहाँ के 30 ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर जन दर्शन पहुंच सरपंच सचिव को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सारे काम अधूरे पड़े हैं, जिम्मेदारों की मनमानी इतनी है कि ना तो ग्राम सभा की बैठक होती है और ना ही किसी लेखा जोखा का हिसाब रखा जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर सचिव ने पंचायत पर आरोप जो लगाए थे उसको निराधार बताया है। पीडीएस भवन अधूरा है और उसके बाद वो जो सार्वजनिक शौचालय वो भी अधूरा है, पंचायत ग्राम पंचायत भी अधूरा है, वो पिछले कार्यकाल का है हालांकि, और उसके बाद गांव गौठान का वो जो पशु सेट वो अधूरा है, उसके बाद महिला सामुदायिक भवन वो भी अधूरा है। अब सचिव का जो काम है एक रनिंग पीरियड में काम चल रहा है अभी, और मैंने कोई काम को मतलब कोई गलत कार्य नहीं किया है ना, भ्रष्टाचार नहीं किया है, कार्य रनिंग पे है, और जो शिकायत किए हैं वो शिकायत निराधार है और 70% जो शिकायत किए हैं वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। वहीं कोरिया जिले में लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर शराब की बोतलों में मिलावट करने का खेल चल रहा है। आबकारी विभाग खुद इस बात को मान रही है कि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। मिलावट को पकड़ने के लिए लाइसेंसधारी दुकानों पर शराब में मिलावट के खेल को पकड़ने की तैयारी चल रही है। वहीं शराब में पानी मिलाने के बाद पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम तक भी लगाए जा रहे हैं। तो देखिए ये खबर कोरिया से आपको बता दें, जहां लाइसेंसधारी जो शराब की दुकान है उस पर शराब की बोतलों में मिलावट का खेल चल रहा है और खुद आबकारी विभाग भी इस बात को मान रहा है कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां पर मिलावट हो रहा है। ऐसे में लाइसेंसधारी दुकानों पर शराब में मिलावट के खेल को पकड़ने की अब तैयारी भी चल रही है। आपको बताएं कि शराब में पानी मिलाने के बाद पैक करने के लिए नकली ढक्कन और होलोग्राम तक का इस्तेमाल ये लाइसेंसधारी जो दुकानदार है वो कर रहे हैं।